हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड माय आप सबको मालूम है मेरा नाम क्या है? तुषार दुबे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ वंदना केयर इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान। अपन अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोटा में ऑफलाइन कोचिंग भी खुल चुकी है वंदना केयर इंस्टीट्यूट। तो जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, वो कोटा, अगर कोटा से कोई देख रहा है तो कोटा में आपको इजीली होगा। और अगर बाहर का कोई बच्चा आता है तो उसे हॉस्टल एंड एवरी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए आना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, नंबर तो आपको सबको मालूम ही है, 8209908-5294। इस नंबर पे सारी क्वेरी अपने को मिल जाती है। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर 5 है। बेसिकली अपन ने लेक्चर नंबर 4 में ईस्टर साइकिल पढ़ा था। आज अपन कंप्लीट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को और थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि कभी भी अपन जब नई क्लास पढ़ते हैं तो उसके पहले वाला थोड़ा बहुत रिवीजन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो अपन ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, वीडियो में पढ़ी हुई है पीछे वाली वीडियो में, रेफर टू साइक्लिक सिक्वेंशियल। अब जो साइक्लिक होती है ना, सिक्वेंस में होती है, चेंज अकरिंग इन यूट्रस एंड ओवरी ऑफ फीमेल मैमल्स, है ना, यूट्रस में और ओवरी में होती है फीमेल मैमल्स में। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप की होती है, एक ईस्टर साइकिल एंड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको आप आज पढ़ने वाले हैं, तो आपने सुना होगा कि फीमेल्स में पीरियड आते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से आते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में नहीं होंगी तो कभी भी फीमेल के अंदर पीरियड आएंगे ही नहीं, ये चीज अपन आज पढ़ने वाले हैं। और ईस्टर साइकिल में अपन क्या चीज करेंगे, जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होते हैं और प्राइमेट में किन में होते हैं, जो न्यू वर्ल्ड मंकी फीमेल्स हैं उनमें होती है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट फीमेल्स में होते हैं। अब इधर बच्चों का एक सवाल आता है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में भी बोला था, कि नॉन प्राइमेट एंड प्राइमेट फीमेल क्या होता है, इसका मतलब नॉन प्राइमेट और प्राइमेट का। नॉन प्राइमेट ऐसे एनिमल जिनकी प्लेसेंटा एब्सेंट होती हो, जिनकी प्लेसेंटा एब्सेंट है, कोई प्लेसेंटा नहीं है, है ना। प्लेसेंटा क्या होती है, गर्भ नाल, है ना, गर्भ नाल। अब गर्भ नाल का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि जो बेबी होता है और मदर में जो अटैच मतलब कनेक्शन बनाए रखता है उसी को अपन बोलते हैं प्लेसेंटा, है ना। नॉन प्राइमेट एनिमल उनको बोलते हैं जिनमें प्लेसेंटा एब्सेंट होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन ने आप देख रहे हैं अकर इन प्राइमेट फीमेल, तो प्राइमेट फीमेल क्या होती है, जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। इसमें जो अब इधर अपन ने लिखा है इधर, एक्सेप्ट न्यू वर्ल्ड मंकी फीमेल, है ना, क्योंकि वो तो आ गए थे ईस्टर साइकिल में, है ना, तो इधर वो चीज नहीं आएंगी। इसका ए पॉइंट है ईस्टर साइकिल, इसमें कोई भी तरह की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। ये चीज अपन आज पढ़ेंगे कि कितना ब्लड लॉस होता है पूरी साइकिल के दौरान, कितना ब्लड लॉस होता है, ये सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। इट हैज फोर फेज, अगेन ईस्टर साइकिल में भी फोर फेज होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी फोर फेज होते हैं, है ना। पहला है इसमें प्री ईस्टर फेज, मतलब ईस्टर फेज आने के पहले अगर कोई एनिमल है या कोई एनिमल फीमेल है तो उसमें ईस्टर साइकिल आने से पहले कौन सा फेज आता है, प्री ईस्टर फेज। इसमें क्या होता है, ओजेनेसिस इन ओवरी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या है, लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम ये सारी लेयर हैं इन यूट्रस, यूट्रस की लेयर होती है,
अकर ड्यूरिंग दिस फेज, है ना, इसमें यू जेनेसिस होता है ओवरी के अंदर, इस वाले फेज में बस यू जेनेसिस होगा ओवरी के फेज में। बी है ईस्टस फेज, ईस्टस फेज बेसिकली इसी फेज को अपन बोलते हैं हीट फेज, हीट पीरियड, है ना, क्योंकि बॉडी एकदम गर्म हो जाती है जब ईस्टस फेज कोई फीमेल के अंदर आता है तो बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, हीट होती है, तो इसलिए इसी को बोल देते हैं हीट पीरियड। बेसिकली ईस्टस फेज में क्या होता है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन आप आगे ही पढ़ोगे, लेकिन इसका आप अभी एक मतलब समझ लो, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से अगर ओवम रिलीज होता है उसी को, उसी प्रोसेस को अपन बोल देते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ओवम क्या होता है एक, है ना, अगर ओवरी से एक हो रहा है, एक और ओवम एक ही होते हैं, ये चीज आपको मालूम है ना, आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो आपको क्लास इलेवंथ में ये चीजें तो मालूम चल जाती हैं कि स्पर्म टेस्टिस ही होता है और ओवरी से एक या ओवम रिलीज होता है, तो जो एक या ओवम रिलीज होगा उसी वाले प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग दिस फेज। अब ओव्यूलेशन हुआ, कोई भी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ, तो फीमेल रिलीज सर्टेन केमिकल, अब उन केमिकल को बोलते क्या है फिजोमोन्स, फिजोमोन्स। अगर फीमेल के अंदर कोई केमिकल रिलीज हो रहा है तो उनको बोल देते हैं फिजोमोन्स। अब फिजोमोन्स क्या चीज करता है, हेल्प काय में करता है ये केमिकल, विच अटैक द मेल फॉर क्वाइटस और इंटरकोर्स, सो क्वाइटस बिटवीन मेल एंड फीमेल फीमेल अकर ड्यूरिंग दिस फेज। आगे बात क्षण में केमिकल रिलीज होगा, मेल पार्टनर को वो अटैक करेगा क्वाइटस इंटरकोर्स करने के लिए, और फिर मेल एंड फीमेल अपना इंटरकोर्स कंप्लीट करके एक लाइफ साइकिल चलाएंगे, ठीक है। इसका अपना ही फेज था, मेटा ईस्टस फेज, है ना, बेसिकली अपना आप ये डिवीजन चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपन थोड़ा सा है ना इसको थोड़ा फास्टली करना है, अगर इसको अपने को पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 4 में जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, तो देन द फीमेल बिकम प्रेग्नेंट एंड, अब आपको ये चीज मालूम है फीमेल प्रेग्नेंट कब होती है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक अपना पूरा आने वाला लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। एंड द मेटास्टेटिक फेज कंटिन्यू टिल पाचुरेशन, पाचुरेशन तक रहता है मेटास्टेटिक फेज, जब तक फीमेल का पाचुरेशन, अब पाचुरेशन क्या होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो टाइम होता है कि बेबी की डिलीवरी होने वाला उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं पाचुरेशन, है ना, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाएगा जब तक ये मेटास्टेटिक फेज फीमेल के अंदर चलता रहेगा, ठीक है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, प्रेगनेंसी होगी नहीं, है ना, फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, देन ऑल्सो द फीमेल शो फॉल्स फिजिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अब फीमेल क्या शो करती है, फिजिकल साइन ऑफ, फॉल्स फिजिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, झूठे साइन, मतलब जो फीमेल बॉडी है वो झूठे साइन शो करने लग जाती है प्रेगनेंसी के, है ना, ऑफ सम टाइम, है ना, कभी कभार ही होता है ये फीमेल के अंदर, कॉल्ड स्यूडो प्रेगनेंसी, और इसी चीज को बोल देते हैं स्यूडो प्रेगनेंसी, क्योंकि इधर कोई प्रेगनेंसी हुई नहीं लेकिन फिजिकल साइन कोई कोई फीमेल के अंदर दिखने लग गया प्रेगनेंसी का, और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो उसी को अपन बोलते थे स्यूडो प्रेगनेंसी। स्यूडो का मतलब अपना होता है एक लाए, झूठ, है ना, अगर कोई चीज झूठी है तो उसको अपन बोलते हैं स्यूडो, और प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी, स्यूडो प्रेगनेंसी। इन फोर्थ फेज था एनिस्टस एंड डाइस्टस फेज, एनिस्टस एंड डाइस्टस फेज।
में रुकिए। इसमें क्या था, इंटरफेज ऑफ ईस्टर साइकिल, इसमें इंटरफेज होता था, डिवीजन होता था ईस्टर साइकिल में। सेकंड पॉइंट, रिग्रेशन ऑफ प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, इसमें जो एंडोमेट्रियम बनी थी उसमें रिग्रेशन होता है। अकर बाय फेगोसाइटोसिस, अब फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, साइटोसिस का मतलब तो आपको मालूम है सेल, फेगो का मतलब क्या होता है उन्हीं सेल को खाने वाला, है ना, ईट द सेल, जो सेल बनी है ओवरी के अंदर उन सेलों को खाने वाला, ईट द सेल, उसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। डन बाय मैक्रोफेज, मैक्रोफेज का मतलब क्या होता है, बिग ईटर, है ना, कोई छोटी चीज को बड़ा ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो उसको अपन बोलते थे मैक्रोफेज। प्रेजेंट इन, अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, फेगोसाइटोसिस और मैक्रोफेज, वॉल ऑफ यूट्रस, है ना, मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ यूट्रस, और यूट्रस की वॉल को कहाँ कहाँ होती, मतलब अपन ने जो बात करी थी पहले कि वॉल ऑफ यूट्रस वो है वेशल लेमिना और लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना। ये बेसिकली मैक्रोफेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेशल लेमिना और एंडोमेट्रियम की लेयर पर, ठीक है, चले आगे। इसमें एक टॉपिक और आता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईस्टर साइकिल और ईयर एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में पूरे साल भर में एक ही बार ईस्टर साइकिल चल रही है, मतलब वो एक ही बार बच्चे दे पा रहे हैं वो, है ना, वो ईस्टर साइकिल कहलाती है मोनो ईस्टर साइकिल, है ना, मतलब पूरे जितने भी पूरा साल 365 डेज में अगर एक ही बार ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल फीमेल एनिमल वो कर पा रही है तो अपना जो वो करेगी अपना, एक मिनट रुकिए, अगर कोई भी फीमेल, अब आप समझिए पूरे साल भर में फीमेल एनिमल अगर पूरे साल भर में एक ही बार प्रेग्नेंट हो रहा है तो उसी चीज को अपन बोलेंगे मोनो ईस्टर साइकिल। एग्जांपल क्या है, डॉग फॉक्स बियर एंड बैट, पॉली ईस्टर साइकिल, मोर देन वन टाइम ऑफ ईस्टर साइकिल पर ईयर, है ना, मतलब एक ही साल में वो दो बच्चों को भी जन्म दे सकती है, वो चार बच्चों को भी दे सकती है, वो आठ बच्चों को भी दे सकती है ना, फीमेल एनिमल। एग्जांपल क्या है, हॉर्स डियर शिप गोट काउ पिग एंड कैट, ना आपने देखा होगा कि ये जितने भी ये नाम लिए मैंने गोट काउ, ये एक साल में करीबन दो तीन बार बेबी को बर्थ दे देते हैं, है ना। आज की क्लास में मतलब रिवीजन में इतना ही, अब अपन आगे का पढ़ेंगे। वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट, है ना, ये आपकी ऑनलाइन क्लास तो हो ही रही है बायोलॉजी की, अगर आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक अच्छे टीचरों से आपको मेरा एक गाइडेंस लेना होगा, तो अगर कोई बच्चा कोटा में है तो कोटा में आपने सुना होगा स्टेशन एरिया, स्टेशन एरिया के पास मेरा घर है ना, आप कॉल कर लेना, ठीक है। नंबर है मेरा 8209085294। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 5 अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 में आज अपन पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैक्रो साइकिल का, ठीक है। मोटिवेशन कोट क्या है आज का, जिंदगी में हार तब तक नहीं होती जब तक आप हारते नहीं, एक मिनट रुकिए, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप हार नहीं मान रहे तब तक आप एक विनर है, आप हारे हुए इंसान नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक हार मानी नहीं है,
आपके माइंड पे ना असर पड़ता है। अगर आप हार मान लेते हैं तो आपके माइंड पे असर पड़ेगा, आप ये समझ लेंगे कि यार मैं हारा हुआ इंसान हूँ, है ना। लेकिन कभी भी आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको देखो क्या होता है बच्चों, अगर शो चीज है तो हमेशा आपको शो चीज नहीं मिलेगी, हो सकता है 99 मिल जाए, है ना। वो एक, अब आप एक का दुख मना रहे हो लेकिन 99 का हैप्पी नहीं हो रहे कि 99 चीज मुझे मिल गई लेकिन एक चीज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, है ना। और जो चीज, जो इंसान, जो पर्सन 99 चीजों का मतलब हैप्पीनेस बनाता है, वो इंसान एक अपने आप में विनर होता है। 1% चीज नहीं मिली लाइफ में तो कोई बात नहीं, है ना। अभी आप एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ह्यूमन की लाइफ स्पैन कितना होता है, 100 ईयर, है ना। मैक्सिमम वो 100 ईयर, 200 ईयर, अब वो तो कभी कभार एक्सेप्शन हो जाए कि 200 साल भी जी जाए आदमी, है ना, वो अलग बात है। लेकिन एक जो लाइफ स्पैन होता है ह्यूमन का वो 100 ईयर होता है। लेकिन सब लोग 100 ईयर जी पाते हैं क्या, लाइफ कर पाते हैं 100 ईयर? नो, है ना। हमेशा जिंदगी की हार नहीं माननी आपको, हमेशा चलते जाना है, हमेशा आपको नई एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवानी है अपने लिए, ठीक है। कभी भी हार नहीं माननी है, है ना। आपकी हार हो जाए आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि नीट में दोबारा ड्रॉप लेके पढ़ रहे होंगे अभी, है ना। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आपकी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो एक बार में अटेम्प्ट करते हैं नीट का पेपर और डर के वो हट जाते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे इधर कि 4-5 साल, 6 साल बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं, है ना, और उनको सफलता भी मिलेगी। इस साल नहीं मिली, अगले साल मिलेगी, अगले साल नहीं मिली, नेक्स्ट ईयर मिलेगी, है ना। बायोलॉजी तो मैं आपकी फिंगर टिप पे करा दूंगा, आप ये चिंता मत करो, आप एकदम पूरा कोर्स अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे अपन कल से, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, मेंटल साइकिल, है ना। आज अपन ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें जो 4 फेज हैं, मेंटल फेज, फॉलिकुलर फेज, फेज ऑफ ओव्यूलेशन, ल्यूटियल सेक्रेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये अपन चारों फेज एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें अपन बताएंगे आपको। चलिए इट हैज 4 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटेड और प्री ओव्यूलेटरी फेज। बेसिकली ये प्री ओव्यूलेटरी मतलब जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ओबम रिलीज नहीं हो रहा, तो उसके पहले वाला जितना भी है फेज उसको अपन बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद अपना ओव्यूलेशन हो जाता है, फेज ऑफ ओव्यूलेशन और ल्यूटियल सेक्रेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद जो बाद वाला टाइम रहता है, जैसे कोई, अब आप देखो फीमेल की जो एक चलती है साइकिल, वो चलती है 28-29 डेज की, है ना, पॉइंट लिखा हुआ है। इन फीमेल यूजुअली द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28-29 डेज इज यूजुअली एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28-29 डेज, है ना। जो फीमेल की एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो 28-29 डेज का रहता है। इसमें पहला फेज अपन पढ़ने वाले मेंस्ट्रुअल फेज। कोई भी एक फीमेल है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेज अगर स्टार्ट हो गया, है ना, बेसिकली ह्यूमन में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द एंडोमेट्रियम लेयर, है ना, वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम जब भी आपके दिमाग में आए तो वो अपन ने पहले वाले लेक्चरों में ही पढ़ा था यूट्रस में, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। बेसिकली एंडोमेट्रियम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है।
जब भी एंडोमेट्रियम आया तो इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। डेट प्रोलिफरेटेड ड्यूरिंग द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हेड ऑफ। अब जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कोई फीमेल में चल रही है तो वो हेड ऑफ हो गई, है ना, ड्यूरिंग दिस फेज, है ना, क्योंकि 28-29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, है ना, मतलब महीने में पूरे महीने ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी एक फीमेल के अंदर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आ गया, है ना, तो वो जो पिछले महीने की गई तो उसमें हेड ऑफ हो जाएगा। हेड ऑफ का मतलब क्या, वो जो पुरानी वाली बनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो खत्म हो जाएगी। अब जब वो खत्म होती है एंडोमेट्रियम स्ट्रेच करता है तो ब्लड एक्सपेल होता है, है ना। देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, दीज हेड ऑफ एंडोमेट्रियम मिक्सेज विद ब्लड इज एक्सपेल आउट ऑफ वेजाइना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हेड ऑफ करी उसी का ही ब्लड बेसिकली एंडोमेट्रियम स्ट्रेच होगी, रिलैक्स होगी, तो उसका जो ब्लड होता है आप देखते होगे पीरियड वाले टाइम पे, है ना, फीमेल में अंदर ब्लड का फ्लो होता है वेजाइना में, इज एक्सपेल आउट ऑफ वेजाइना, कोल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन, है ना, उसी चीज को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट होता हो तो आपको मैंने नंबर दिया है, इस नंबर पे आप जाके आप एनी डाउट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस नंबर पे सारे टीचर हमारे अवेलेबल होते हैं, और आप कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी बच्चा अगर इस नंबर पे डाउट देता है उसको आराम से, है ना, उसको हर चीज समझाई जाती है, ठीक है। सुबह 8 AM से लेके रात के 12 PM तक चलती है डाउट फैसिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा डाउट पूछ रहा है तो अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट, अकर फॉर 3-5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। बेसिकली पीरियड का एक फेज रहता है कि फीमेल के अंदर आप देखते होगे 3-5 डेज का एक गैप रहता है, है ना, 3-5 डेज ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो चीज होता है। अब जब ब्लीडिंग जो हो रही है ना, इसमें ब्लड लॉस, डेली ब्लड लॉस, अब जब 5 दिन अगर कोई फीमेल में 3 दिन भी चलती है, कोई फीमेल में 5 दिन भी चलती है, है ना, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ फीमेल। डेली ब्लड लॉस 20-25 ml डेली ब्लड लॉस होता है फीमेल के अंदर, और पूरी साइकिल के दौरान टोटल ब्लड लॉस 40-80 ml साइकिल, है ना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। पीरियड के टाइम क्या होता है, बेसिकली 3-5 दिन की साइकिल चलती है ना, मतलब ये साइकिल जो है पीरियड के दौरान चलती है, इसी में जितना ब्लड लॉस होना होता है वो चीज हो जाती है। डेली ब्लड लॉस होता है इसमें 20-25 ml, और अगर टोटल पूरा जितना 3-5 दिन की जितनी भी साइकिल चलती है फीमेल के अंदर पीरियड चल रहा है उसमें 40-80 ml ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। बेसिकली पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान जो स्टार्टिंग के 2-3 डेज होते हैं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन कंपेरिजन टू 4-5 डेज। मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लोट। अब जब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है वो कभी भी क्लोट नहीं होता, मतलब क्लोटिंग कभी नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइजिन, उनमें एक एंजाइम पाया जाता है फिब्रिनोलाइजिन इन यूट्रिन सेक्रेशन। बेसिकली आपने ये चीज पढ़ी होगी क्लास 11 में भी, फिब्रिनोलाइजिन क्लोट फ्री एंजाइम होता है, जहाँ पे भी फिब्रिनोलाइजिन सेक्रेट करता है वहाँ पे कभी भी क्लोट नहीं बन सकता। कभी भी जब भी आपके कहीं पे भी मतलब लग जाए, कभी भी कहीं कुछ कट जाए, वहाँ पे आपका क्लोट कभी भी नहीं बन पाएगा। जो आपकी वो ब्राउन लेयर हो जाती है ना, आपने आपके सबके लगी होगी ब्राउन लेयर हो जाती है, वो चीज़ कभी नहीं होती अगर फिब्रिनोलाइजिन सेक्रेट करता है उस जगह। तो मेंस्ट्रुएशन अकर, सिक्स पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होता है, प्रोगेस्टेरोन लेवल इज डिक्रीज, है ना। बेसिकली प्रोगेस्टेरोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये सारे जितने भी हार्मोन हैं ये सारे होते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना। जब भी प्रेगनेंसी होती है या कोई पीरियड आता है तो ये सारे रोल अपने निभाते हैं। तो प्रोगेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाता है एकदम से, ठीक है। चलिए, जब भी मेंस्ट्रुएशन आता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो प्रोगेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका अपना आता है सेकंड फेज, फोलिकुलर प्रोलिफेरेटिव प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के पहले वाला फेज। अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि इनको क्यों फोलिकुलर बोला जाता है, प्रोलिफेरेटिव क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है गोनेडोट्रोपिन जीएनआरएच को अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीज इंक्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंक्रीज करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। चलता कैसे ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी। इंक्रीज इन जीएनआरएच स्टिमुलेट, जो जीएनआरएच में इंक्रीजमेंट आता है, इंक्रीज होता है जीएनआरएच, उसमें क्या होता है एफएचएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों रिलीज होते हैं फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं एफएचएच एंड एलएच, ठीक है। अगर GnRH इंक्रीज होगा तभी ये FSH एंड LH सिक्रीट होंगे, अगर नहीं हुआ मतलब एक नॉर्मल लेवल में चलता रहा GnRH एक नॉर्मल लेवल में चलता रहा तो ये FSH एंड LH रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। जब GnRH में इंक्रीजमेंट आता है तब FSH एंड LH इंक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, FSH स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्राफीन फोलिकल, है ना। अब FSH का अपन ने नाम सुना फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये क्या बनाएगा फोलिकल, है ना, तो ये बेसिकली डेवलपमेंट कर देता है ग्राफीन फोलिकल को, डेवलपमेंट कर देता है ग्राफीन फोलिकल को, कॉल्ड फोलिकुलर फेज, और इसी के लिए इसका नाम पड़ा है फोलिकुलर फेज, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फोलिकल, है ना, ग्राफियन फोलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। फोर्थ, इसमें आप समझेंगे कि इन्हें प्रोलिफरेटेड फेज क्यों बोला जाता है। एज द फोलिकुलर फोलिकल डेवलप, अब एक बार अगर फोलिकल बन गए, है ना, ग्राफियन फोलिकल डेवलप हो गए तो ईस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ईस्ट्रोजन जो लेवल होते हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे एकदम से। ईस्ट्रोजन सेक्रीट बाय ग्रेनुलोजा मेम्ब्रेन विच स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस, है ना। अब इसके साथ क्या होगा, स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने लग जाएगी यूट्रस में, कोल्ड प्रोलिफरेटेड फेज, प्रोलिफरेटेड फेज, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट इस वाले फेज का पॉइंट, दिस प्री ओव्यूलेटरी फेज एक्सटेंड अप टू 14 डेज, समझ में आ गई। ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है ये एक्सटेंड हो जाता है 14 डेज के लिए, मतलब आपको 5-6 दिन तो पाँच छः दिन तो आपका पीरियड वाला टाइम चला, है ना, उसके बाद ये 14 डेज और एक्सटेंड हो गया तो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 5-13 डेज और 14 डेज, है ना, ये एक्सटेंड हो गया ना बेसिकली, ओव्यूलेशन हुआ नहीं अभी। थर्ड है अपना फेज ऑफ ओव्यूलेशन, थर्ड फेज क्या है, फेज ऑफ
ओव्यूलेशन। सबसे छोटा फेज होता है ये, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ फेज है ना, शॉर्टेस्ट फेज। सेकंड, आफ्टर अबाउट ऑफ आवर्स एलएच सर्ज। व्हाट इज एलएच सर्ज? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, हाई पीक ऑफ एलएच हार्मोन। बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीजिंग इन द कर्व इन सर्ज है ना, कर्व के फॉर्म में इंक्रीज होता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है एकदम से। ठीक है, ग्राफियन फोलिकल रप्चर, जब अब एकदम से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हुआ तो ग्राफियन फोलिकल रप्चर हो गए एंड रिलीज ओवम फ्रॉम द आउटसाइड द ओवरी कॉल्ड ओव्यूलेशन। बेसिकली ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीज ओवम फ्रॉम द ओवरी है ना, लेकिन वो ओवरी, वो ओवम, वो एग रिलीज कैसे हो रहा है? रिलीज ऐसे हो रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एकदम से बढ़ जाना है ना, और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको फिर ओवरी से एग रिलीज होना ही पड़ता है। ठीक है, कॉल्ड ओव्यूलेशन, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आप कभी नोट लिखते हैं कि बना बना के चलते रहते हैं, आप लिखते रहते हैं, तो आप वीडियो को पोस्ट करा करें और आराम से लिखा करें, और फिर आप एक बार कंटिन्यूटी में पढ़ लिया करें, एक बार देख लिया करें लेक्चर को। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ फीमेल राइजेज बाय अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस। जब ओव्यूलेशन वाला फेज चलता है, मतलब रिलीजमेंट ऑफ ओवरी ऑफ एग, तो फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूलेशन फेज चलता रहता है ना, ओवरी से ओवम रिलीज होता है। डे ऑफ ओव्यूलेशन, अब आपको पता लगाना है डे ऑफ ओव्यूलेशन कि मेरा ओव्यूलेशन, मेरा जब ओवरी जो रिलीज होगा उसमें एग, वो कब होगा, तो उसको अपन कैसे देखेंगे? टोटल प्ले ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एग्जांपल दे रखा है आपके सामने, 32 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली कोई फीमेल है, उसकी 32 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है ना, आपने को पता लगाना डे ऑफ ओव्यूलेशन इज है ना, तो 32 माइनस, क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 उसकी है, और 14 अपन ने क्यों माइनस करा, क्यों करा इधर माइनस? क्योंकि वो जो पीरियड आने के बाद प्री ओव्यूलेटरी फेज जो चलता है वो 14 डेज का होता है, वो 14 डेज का होता है, इसलिए अपन ने 32 डेज में से 14 माइनस कर दिया, और 18 डेज का जो उसका मतलब 18वें दिन उसका ओव्यूलेशन होगा, उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा है ना। ऐसे निकला, आप जैसे कोई फीमेल की साइकिल चलती है 28 डेज, तो 28 माइनस 14 उसके बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन होगा 14 डेज के अंदर है ना। ऐसे आप अब अलग अलग फीमेल में अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मैंने आपको पहले बताया था ये है ना, तो ये चीज़ें अपनी अपन आराम से निकाल सकते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन, अगर अपने को मालूम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसके ऊपर एक नीट में क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर, उसमें दे रखा था 26 डेज ऑफ फीमेल साइकिल, 2012 में आया ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए ना इधर क्वेश्चन लाया न्यू में है ना, तो उसमें आया था 26 डेज ऑफ ओव्यूलेशन वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वॉट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब 26 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 26 माइनस 14 इज इक्वल टू 20, मतलब पीरियड के 12 डेज बाद उसका ओव्यूलेशन रिलीज होगा। ठीक है, इसका कभी क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि बच्चे उनको एनटी वाले बहुत ज्यादा समझदार हो गए ना 2012 के बाद, कि उनको मालूम है कि हमने तो बस ये नंबर दे दिया, वो माइनस 14 करके जो आंसर आएगा उनमें टिक कर देंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ल्यूटियल सिक्रेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज।
इट इज ऑफ 14 डेज है ना, ये भी 14 डेज का ही होता है। बेसिकली जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है उसमें ग्राफियन फोलिकल रप्चर जो होता है, रप्चर ग्राफियन फोलिकल एंड फॉर्म कॉर्पस लूटियम, और ग्राफियन फोलिकल की जगह कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो जाता है। कॉर्पस लूटियम कंटेन कॉर्पस लूटियम सेल है ना, जो कॉर्पस लूटियम लूटियम बना वो क्या बनाएगा, कॉर्पस लूटियम सेल विद इन लूटीन है ना। एक लूटीन हार्मोन होता है, पिगमेंट इसका क्या होता है येलो, लूटीन का जो पिगमेंट होता है, लूटीन बेसिकली हार्मोन है, उसका कलर जो होता है येलो होता है ना, और उसी वाले फेज को अपन बोल देते हैं लूटीन फेज। एक मिनट रुकिए, लूटीन फेज इसलिए इधर आपने देखा ल्यूटियल फेज है ना, इसलिए इधर नाम आया ल्यूटियल। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट प्रोगेस्टेरोन अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड लिलेजिन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोगेस्टेरोन रिलीज करेगा, और उसके बाद स्मॉल अमाउंट में वो ईस्ट्रोजन एंड लिलेजिन रिलीज कर देगा टू इनिबिन। बेसिकली जो प्रोगेस्टेरोन है वो मेन हार्मोन है, और इसी हार्मोन के अंदर आता है ईस्ट्रोजन एंड लिलेजिन है ना, जो अपन पढ़ेंगे अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में है ना, और इसी के अंदर आता है ईस्ट्रोजन एंड लिलेजिन, तो उसका पार्ट हो गया, इसलिए अपन ने इधर लिखा टू इनिबिन है ना। ये भी हार्मोन ही है, ईस्ट्रोजन भी हार्मोन है, लिलेजिन भी हार्मोन है, लेकिन प्रोगेस्टेरोन के अंडर आते हैं ये, ठीक है, तो इसलिए अपन ने इधर लिख दिया टू इनिबिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट एंड मेंटेन ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, बट प्रोगेस्टेरोन हैज इनिबिटरी इफेक्ट ऑन LH। जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो स्टिमुलेट भी करता रहता है और मेंटेन भी करता है, किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को है ना, बट प्रोगेस्टेरोन हैज इनिबिटरी इफेक्ट ऑन LH। लेकिन अगर प्रोगेस्टेरोन भी रिलीज होने लग गया बॉडी के तो वो LH को कम करेगा, क्योंकि वो इनिबिटरी मतलब प्रोगेस्टेरोन LH का दुश्मन है ना, LH अगर बढ़ेगा तो दुश्मन को जलन होगी कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है, तो वो फिर से ना आपको आपकी टांग खींच के आपको नीचे ले आएगा है ना। आप ये समझो कि LH का दुश्मन प्रोगेस्टेरोन है, LH का दुश्मन प्रोगेस्टेरोन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रोगेस्टेरोन मेंटेन द प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूट्रिन ग्लैंड। अब प्रोगेस्टेरोन मेंटेन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो प्रोलिफरेटेड स्टेज होती है, एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूट्रिन ग्लैंड सो कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। इसी चीज को अपन बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूट्रिन ग्लैंड है ना, जो यूट्रिन ग्लैंड की जितनी भी एक्टिविटी है, कोई स्टिकी वॉटर है ना, लाइक जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी यूट्रिन ग्लैंड में कौन कराता है, प्रोगेस्टेरोन, और यही फेज को अपन बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर सेक्रेटरी फेज का कभी भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी कुछ नहीं देखना, अगर क्वेश्चन में आपने देख लिया सेक्रेटरी फेज तो आप हमेशा ट्रिक लगा सकते हो प्रोगेस्टेरोन में, 101% गारंटी दे रहा हूँ आंसर सही होगा। बेसिकली सेक्रेटरी फेज अगर मतलब स्टार्ट हो रहा है कोई भी बॉडी के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो 90% भूमिका कोई निभा रहा है, रोल निभा रहा है, तो वो प्रोगेस्टेरोन है। और अगर कभी भी नीट के पेपर में आपको दिख जाए सेक्रेटरी फेज के ऊपर आया क्वेश्चन और ऑप्शन में है प्रोगेस्टेरोन, तो मतलब आँखें बंद करके आप जो भी ऑप्शन हो उसमें एक लगा देना,
ठीक है, और आंखें सही होगा। ठीक है भैया, मुझे मालूम है ना, मैं अभी मतलब करीबन 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने सारे नीट के पेपर अभी 5 साल के जितने भी सोल्व करे सब चीज करी, 3-4 बार तो मुझे क्वेश्चन मिल चुका है ना, 3-4 बार मुझे क्वेश्चन है सिक्योरिटी फेज पे मिल चुका है। मैं आग बन के लगाता हूँ प्रोगेस्टिरोन, है ना, क्योंकि प्रोगेस्टिरोन बेसिकली क्या कर रहा है, एलएच का दुश्मन है वो, एलएच को हमेशा नीचे करने के काम में आता है ना, और सिक्योरिटी फेज में हेल्प करता है कहाँ पे, यूटिन ग्लैंड में, यूटिन ग्लैंड में, तो वो हमेशा है ना सिक्योरिटी फेज में एकदम राइट आंसर होगा। कभी कभार 1-2 बार क्वेश्चन चेंज आ गया सिक्योरिटी फेज पे, कभी कभार क्वेश्चन चेंज आ जाता है ना, उसमें कभी भी ऑप्शन ये नहीं देगा प्रोगेस्टिरोन, क्योंकि एक मान लो आप तो कि सिक्योरिटी फेज का फ्रेंड ही प्रोगेस्टिरोन है, प्रोगेस्टिरोन फ्रेंड है सिक्योरिटी फेज का, ये हो सकता है। बस नीट में क्या होता है कि घुमा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो वो नहीं होगा, तो ये चीज रहेगी प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम, या फंक्शन पूछेंगे तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूटिन ग्लैंड। ठीक है, फिर ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, फिर तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया देन कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड। इसके बाद फिर जो कॉर्पस लूटियम होता है वो मेंटेन रहता है टिल द प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड तक कॉर्पस लूटियम एकदम मेंटेन रहेगा। अब नेक्स्ट, अपन जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6, उसमें अपन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, कैपेसिटेशन, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, 3-4 लेक्चर का और बचा है, ये लेक्चर चैप्टर, इसको अपन कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे भी है? हाँ जी। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसलों को किस्मत बदलने में वक्त लगता है ना, अपने हौसलों को बदलो किस्मत अपने आप बदल जाएगी, सच्चाई कह रहा हूँ मैं ये, है ना, आप में जब जज्बा जोश जुनून होता है तो किस्मत की फिर क्या औकात है कि आपके लक्ष्य को, आपके हौसलों को, आपके टारगेट को है ना लेने में मदद ना करे। हमेशा एक हौसला, एक कामयाबी की तरफ आप बढ़ते रहें। कोई भी डाउट आए आपको 8209085294 आप कांटेक्ट करें, कोई भी डाउट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनी डाउट आपको है ना 10-15 मिनट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके भी है ना पूछ सकते हैं टीचरों के। ओके चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय द चैनल, थैंक यू।